हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में आ रही है एक बड़ी खबर भारत चीन बातचीत से जुड़ी हुई है। कल सुबह 11 बजे दोनों देशों के कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई थी शुरू सुबह 11 बजे, वो रात 2 बजे तक चली। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी कम करने को लेकर 14 घंटे तक बातचीत चली। बड़ी खबर ये है कि डिसएंगेजमेंट की का दूसरा चरण अब शुरू हो सकता है। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की हैवी बिल्टअप को कम करने के साथ साथ फिंगर एरिया और डेप्सोंग प्लेन्स पर चर्चा हुई है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए लेह से सीधे नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या अपडेट है? क्या डिसएंगेजमेंट की जो सेकंड फेज है वो अब शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल विकास, अब माना जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा। ये अब तक की सबसे लंबी बैठक है विकास, जो दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में हुई है। सुबह 11 बजे मंगलवार को शुरू हुई थी और रात को 2 बजे जो है ये मीटिंग पूरी हुई है, यानी कि करीब करीब 14 घंटे तक ये मीटिंग चली है। और इसमें सभी जगह पर डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, यानी कि जैसे कि आपने खुद कहा कि डेप्सांग प्लेन और फिंगर एरिया 4 नंबर पर जहां चीनी सैनिक अभी भी कब्जा किए हुए हैं, वो मुख्य मुद्दा है भारत के लिए कि चीनी सेना फिंगर नंबर 4 से पीछे हट जाए, तो उस पर भी बातचीत हुई। साथ ही फिंगर नंबर 5 से 8 के बीच में भी हैवी बिल्टअप है चीनी सेना का, उस पर भी बातचीत हुई। और साथ ही जो इसके साथ साथ एलएसी के पीछे बैक साइड में जब बात करेंगे कि वहां पर हैवी बिल्टअप है, यानी टैंक तोप और बड़ी संख्या में जो दोनों देशों की जो डिविजन वहां पर तैनात है, इन्फेंट्री सोल्जर तैनात है, उस पर को लेकर भी बातचीत हुई है। ये हमें बताया गया अब तक, और ये माना जा रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से बहुत जल्दी कोई बयान भी जारी हो सकता है इस मीटिंग को लेकर कि इसका आउटकम क्या हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज राजपूत बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच जो बैठक चली सुबह 11 बजे शुरू हुई, रात 2 बजे तक चलती रही, यानी 14 घंटे तक स्ट्रेट बातचीत होती रही हैवी बिल्टअप को कम करने को लेकर। जो सीमा पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया उसका फेज 2 यानी अब जल्द शुरू हो सकता है।